हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम सोल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या था, सम निकालना 0.4 बार का और 0.18 बार का सम निकालना है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, लेकिन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं क्लास ऑफ अचीवर्स के साथ, तो आप हमारे जो ट्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। फॉर्म फिल कीजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें देखिए 0.4 बार है, तो पहले हमें 0.4 बार को रैशनल नंबर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमने इसको एक्स की फॉर्म में ले लिया, क्योंकि 4 के ऊपर बार लगा तो 4 जो इनफिनिट टाइम जो है वो आएगा। तो इसको हमने मान लिया ए इक्वेशन। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, तो देखिए इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करना पड़ता है, क्योंकि एक साइड इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे इक्वेशन का रिजल्ट जो चेंज हो जाता है, लेकिन दोनों साइड प्लस माइनस या डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है। अब 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि देखिए जो रिपीटिव नंबर है वो एक ही है, और पॉइंट के बाद सिर्फ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिपीटिव नंबर जो ना इससे लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा, इसलिए सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4.44 आ जाएगा। अब 4.44 को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.44, इसको इक्वेशन b मान लिया। अब 0.44 की जगह हमने ले लिया x, तो यहाँ पे 0.44 की जगह अगर हम रखते हैं, देखिए x रखते हैं, तो ये बन जाएगा 10x प्लस, ये 4 तो ऐसे रहेगा लेकिन 0.44 की जगह इसकी जगह आ जाएगा x। ये राइट से लेफ्ट की साइड ले जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 10x में से एक एक्स गया तो बचेगा 9x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ पे वो निकलेगी 4/9, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे y जो कि हमारा 0.18 है, तो दोनों के ऊपर बार है, तो इसलिए 1818 इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि दो डिजिट को लाना है जो राइट साइड की तरफ जो है, दो डिजिट को लाना है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करा तो 100y आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 × 0.18 आएगा ये, और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 18.181818 चलता जाएगा। अब इसको मैं तोड़ूंगा तो देखिए इसको ब्रेक करके मैं लिख सकता हूँ 18 + 0.1818 आ जाएगा, और इसकी जगह ये किसके बराबर, देखिए y के बराबर है। तो यहाँ पे हमने 100y इज इक्वल टू 18 प्लस इस पूरे की जगह आ गया y। अब इसको राइट से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 100y - y में से, मतलब 100y में से एक y गया तो बचेगा 99y इज इक्वल टू 18। तो y किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 18/9। डिवाइड करा देखिए तो 3 6 18, और 3 के टेबल में 33 बार में 99 आ गया, फिर 3 2 6 और 3 11 जा 2/11 आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा, इनका सम जो वो निकालना है, तो इनका जो ये आंसर आया इसको हम प्लस करेंगे। तो देखिए 4/9 + 2/11, तो 9 और 11 का एलसीएम आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 99, फिर 9 से डिवाइड करा तो 11 बार में गया, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 11 + 2 × 9, तो 44 + 18/11, तो ये बनेगा 44 + 18, 8 × 4 = 12, 4 × 5 = 62। तो इसका आंसर आएगा 62/11। बाकी अगर इसको डिवाइड करके जो पॉइंट में आंसर आएगा तो वो होगा, एक मिनट में बता देता हूँ आपको। 62 को डिवाइड करेंगे 11 से तो आएगा 5.6363, मतलब 63 के ऊपर बार, ये आ गया। तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई और डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और किसी और क्वेश्चन में भी डाउट होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।